हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स. सो वी कंटिन्यू अवर लेक्चर हियर. इन यस्टरडेज लेक्चर, कल के लेक्चर में हमने देखा पहला बीट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स. उसमें हमने देखा दो फार्मूले इम्पॉर्टेंट है. एक सम ऑफ स्लोप का फार्मूला m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी. कल हमने डिराइव किया था ये फार्मूला. और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी. ये दो रिजल्ट्स याद रखना ज़रूरी है हमारे लिए. फिर उसके बाद कल हमने नेक्स्ट टाइटल देखे थे यहाँ पर, नेचर ऑफ लाइंस. द नेक्स्ट टाइटल डेट यू सीन इन यस्टरडेज़ क्लास इज द नेचर ऑफ लाइंस. ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो इसमें नेचर ऑफ लाइंस में क्या इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास पेयर्स ऑफ लाइन, मतलब कितने लाइन्स है, देर आर लाइन्स इन दैट वन. तो दोनों लाइन्स का क्या नेचर है इसको हमने देखे थे. जैसे कि कल हमने अगर से यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो बाजू में बताएंगे, यहाँ पे इफ देर आर टू लाइन्स इन दैट वन, जैसे कि यहाँ पे, और दोनों के दोनों कैमरे से पास है, ओरिजिन में से अगर से पास है, तो 100% इसमें कितने लाइन्स हैं, दो लाइन्स. तो ये दो लाइन के नेचर के बारे में कल हमने देखा था. यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ये थी यहाँ पर कि कभी एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो उस टाइम पे लाइंस कैसे रहेंगे, ये दोनों लाइंस क्या रहेंगे, रियल रहेंगे. कैसे रहेंगे, रियल. उसके बाद अगर से एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाले अपन ने और वो सिर्फ पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन जीरो, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, वो अगर से पॉजिटिव, तो लाइंस कैसे रहेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट. रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, अलग अलग आएंगे. ये लाइंस कैसे रहेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब ये लाइन अलग मिलेगी, ये लाइन अलग मिलेगी. और उसके बाद उसमें देखेंगे अपन थर्ड वन कंडीशन यहाँ पे. तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर से जीरो है, तो लाइंस क्या मिलेंगे, रियल एंड, रियल एंड कैसे मिलेंगे, को इंसिडेंट. वो नीचे हो गया, रियल एंड को इंसिडेंट मिलेंगे. तो इसका मतलब क्या कि दोनों लाइंस ऐसे मिलेंगे यहाँ पर. रियल और कोइंसिडेंट का मतलब क्या कि यहाँ पे एक लाइन पे ही दूसरी लाइन क्या होगी, यहाँ पे कोइंसाइड होगी. दिस वन, दिस इज द कंडीशन. और लास्ट में अगर से एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारा अगर से निगेटिव आता होगा, लेस देन जीरो, तो लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उस टाइम पे हम लाइंस नहीं निकाल सकते हैं. ये कल के लेक्चर में देखा हमने. तो ये है नेचर ऑफ लाइंस. नेचर ऑफ लाइंस के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. तो नेचर ऑफ लाइंस की तीन कंडीशन है. पहली कंडीशन, एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है तो लाइंस रियल है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. और एच स्क्वायर माइनस ए बी सिर्फ पॉजिटिव है तो लाइंस है रियल और डिस्टिंक्ट. एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो है तो लाइंस है रियल और कैसे है, कोइंसिडेंट. और एच स्क्वायर माइनस ए बी कभी गलती से निगेटिव आ गया तो लाइंस कैसे, डज नॉट एग्जिस्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन कल हमने देखे थे, मगर यहाँ पे अभी मैंने बताया कि कोई भी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन मतलब कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन को, ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके स्टेप्स बताया. तो सबसे पहले डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, सबसे पहले किसे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से हर टर्म को, इसको भी, इसको भी और इसको भी. देखो यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया अपन ने, यहाँ पे ये भी टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें और ये भी टर्म को एक्स स्क्वायर. ऐसा करने से इसमें से एक एक्स पूरा ही चलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए बचा. यहाँ से एक एक्स कैंसिल गया, कितना बचा, 2h y by x. और ये दोनों का स्क्वायर है, हम तो कॉमन y by x का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं. जैसे हमको मालूम है y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इसमें से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू कितना, y by x. तो सिंपली m को रिप्लेस, y by x को रिप्लेस करो m से, तो इक्वेशन क्या मिली, a प्लस, क्या मिली इक्वेशन, a प्लस, ये क्या हो गया, y by x मतलब कितना, 2h इंटू कितना, m. और y by x मतलब क्या, m का स्क्वायर. इसको हमने सिस्टमेटिक लिखे, पहले बी एम का स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू जीरो. इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी इक्वेशन. याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन रिजल्ट याद करो, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू जीरो. तो देखो अभी इन शॉर्ट तुम्हारे लिए कौन कौन से रिजल्ट याद रखना है, एक मिनट बताएंगे फिर अपन आगे जाएंगे. पहला रिजल्ट इसमें आपके लिए, फर्स्ट वन इज पहला रिजल्ट सम ऑफ स्लोप का फार्मूला याद रखना ज़रूरी है. व्हाट इज द फार्मूला, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी. दूसरी कंडीशन, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी. ये होगा सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप. उसके बाद और क्या है इसमें, नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ लाइंस. शॉर्ट में बताता हूँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो लाइंस कैसे रहेंगे, रियल और कैसे रहेंगे, डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट शॉर्ट में लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी
एचिस खाली रियल रहेंगे यहाँ पे, और सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उस टाइम पे ग्रेटर देन ज़ीरो अगर से है तो कैसे रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट इज देयर। ओके, ये रियल और सिर्फ ग्रेटर देन है ज़ीरो, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रियल तो है और अलग अलग, डिस्टिंक का मतलब क्या, अलग अलग डिफरेंट। और तीसरी कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर से ज़ीरो आया तो लाइंस क्या रहेंगे, रियल और कैसे रहेंगे, को इंसीडेंट, एक दूसरे पे को इंसाइड होंगे। और लास्ट कंडीशन मैंने बताया एच स्क्वायर माइनस ए बी कभी निगेटिव आ गया तो लाइंस क्या, डज नॉट एक्सिस्ट, डज नॉट एक्सिस्ट, ये कंसेप्ट है यहाँ पर। उसके बाद लास्ट कंसेप्ट इज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन याद होना चाहिए सबको, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू ज़ीरो, बस इतना ही कंसेप्ट है। ये तीन कंसेप्ट कल के लेक्चर में से हमको याद होना चाहिए, एक पहला सम ऑफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, एक ही कंसेप्ट है ये दोनों मिला के। उसके बाद नेचर ऑफ लाइंस, रियल कब, रियल और डिस्टिंक्ट कब, रियल और कोइंसिडेंट कब, कब एग्जिस्ट नहीं होते, और ये लास्ट की तुम्हारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया, आप इतना अगर से समझ में आ गया होगा तो हम अब ये लेक्चर में हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके प्रॉब्लम में देखो, अभी सबसे पहले इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो इसकी जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 है ख्याल से, यस दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट वन। तो देखो अभी यहाँ से उठाएंगे इसको 4.1 के पहले क्वेश्चन को और आज इसको अपन सॉल्व करेंगे। ये हो गया 4.7, ओके। तो वन बाय वन एक ही क्वेश्चन लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, वन मिनट, ठीक है, ओके। इतना भी रहा तो सफिशिएंट है, सबको नज़र आ रहा है वैसा, और वैसे भी साथ में टेक्स्ट बुक रखते जाओ आपकी 12th की, ठीक है, ओके। तो ये है हमारे क्लास क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इसमें फाइंड द कम्बाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन, कम्बाइंड इक्वेशन निकालना है। कम्बाइंड इक्वेशन मतलब कम्बाइंड इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जॉइंट इक्वेशन इन दैट वन, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे अपन, ठीक है, सफिशिएंट है अभी। तो इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। क्या पूछा उसने, क्या निकला बोला, फाइंड द कम्बाइंड इक्वेशन ऑफ दिस वन। तो पहला क्वेश्चन में है तुम्हारे पास लाइन्स कैसे है? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे अपन। तो फर्स्ट लाइन है 2x प्लस y इक्वल टू ज़ीरो, एंड दूसरी लाइन है 3x माइनस y इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर द कम्बाइंड इक्वेशन इज, देयरफॉर द कम्बाइंड इक्वेशन इज दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो, एक लाइन मल्टीप्लाई बाय दूसरी लाइन इक्वल टू कितना, ज़ीरो। सिर्फ मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 3xy माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू कितना, ज़ीरो। सो ये मिल गया हमको 6x स्क्वायर, 3xy में से 2x कितना बचा, xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ द जॉइंट इक्वेशन और कम्बाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। ये हो गया पहला क्वेश्चन, आई होप यू गॉट दैट वन। देखो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन पूछे हुआ था कि फाइंड द कम्बाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, लाइन है 2x प्लस y इक्वल टू ज़ीरो और 3x माइनस y इक्वल टू ज़ीरो, ये लाइन थी, ठीक है। तो इसका जॉइंट इक्वेशन के लिए दोनों लाइन्स हमने नीचे ली, एक लाइन ये दो लाइन, दोनों की कम्बाइंड इक्वेशन 2x इंटू 3x, 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x इंटू y माइनस का 2xy प्लस का 3xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो फाइनली वी गॉट हियर 3xy में से 2xy आया तो प्लस का xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू में अगर से देखेंगे अभी अपन, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें दो लाइन से अगेन ये दोनों का हमको क्या निकालना है, जॉइंट इक्वेशन। सेम अभी जैसे निकाले उसी तरीके से जॉइंट इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। देखो अभी तो ये दोनों लाइंस को नीचे ले लो, व्हाट आर द लाइंस, x प्लस 2y क्वेश्चन नंबर टू का, आई थिंक तुम ये कर सकते हैं। क्वेश्चन हियर
x plus 2y minus 1 डायरेक्ट लेके बताएंगे इसमें अपन। अब तुम्हारे समझ में तो आ गया, काई को टाइम पास करेंगे, डायरेक्ट लेके बताता कंबाइन इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में। कंबाइन इक्वेशन क्या रहेंगी, ज्वाइंट इक्वेशन और कंबाइन इक्वेशन इज ज्वाइंट इक्वेशन ऑब्लिक कंबाइंड इक्वेशन इज। तो लाइंस क्या है हमारे पास, x प्लस 2y माइनस 1 डॉट x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो अभी x इंटू x एक्स स्क्वायर x इंटू 3y ओके x इंटू x एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ अभी x इंटू माइनस 3y माइनस 3xy प्लस 2x फिर 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को प्लस 2xy माइनस 3 टू द 6y स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का x प्लस का 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो फाइनली वी गॉट हियर एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक ही है, एक ही बार लिखो। उसके बाद में xy वाले टर्म्स देखो, यहाँ पे xy वाले टर्म्स देखेंगे यहाँ पे, तो xy वाले टर्म्स कितने देखो 2xy इसका यूज़ करेंगे अपन। 2xy में से माइनस का 3xy गया तो कितना बचा, यू गॉट हियर माइनस का xy। उसके बाद में y स्क्वायर वाले टर्म एक ही है माइनस 6y स्क्वायर। अब सिंगल x वाले देखो यहाँ पे, सिंगल x हम देखेंगे यहाँ पे, तो सिंगल x मतलब कौन सा 2x में से एक x गया तो कितना बचा प्लस का x, प्लस का x। और सिंगल y देखेंगे तो कितना 4y प्लस 3y इट इज इक्वल टू प्लस का 7y और बच गया अभी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कितना माइनस 2 इक्वल टू कितना 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ये जो क्वेश्चन था x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, पहले क्वेश्चन में का दूसरे का आंसर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन लेंगे यहाँ से, ज़रा तीसरा क्वेश्चन अपन नीचे कॉपी करेंगे ज़रा, ठीक है यहाँ पे लेके उसको सॉल्व करेंगे। वेट अ मिनट, यस वेट अ मिनट प्लीज। ओके ठीक है, सफिशिएंट इतनी लाइन हमारे पास समझने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर में देखो, अभी यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ज्वाइंट इक्वेशन पहले दो क्वेश्चंस में ऑलरेडी हमको दो लाइंस दिए हुए थे, एक लाइन दी हुई है दो लाइन, इनका सिर्फ ज्वाइंट इक्वेशन लेने का था। अब तीसरे चौथे और पांचवें क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हमको लाइंस निकालना पड़ेगा ये कंडीशन के हिसाब से और उसका फिर क्या करना पड़ेगा ज्वाइंट इक्वेशन। तो कंडीशन क्या दी हुई देखो, हमको जो लाइंस निकालने का है वो लाइंस ये पॉइंट में से पास है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या है पैरेलल है। तो इसका मतलब देखो ऐसे निकाल सकते हैं अपन इसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ठीक है ओके, तो ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस, इट इज आवर x एक्सिस y एक्सिस। अब हमारा जो पॉइंट है वो कैमरे से पास है 2, 3, मतलब x पे कितना 2 और y के इज इक्वल टू कितना 3। ये पॉइंट तो सबके समझ में आता, y इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 3। तो लाइंस ऐसे मिलेंगे कि देखो x इज इक्वल टू 2, अंदाजे लेंगे हम ये 0, ये 1 और ये 2, और y इज इक्वल टू 3 मतलब 1, 2 और ये कितना हो गया 3। तो x इज इक्वल टू 2 मतलब एक लाइन होगी इस तरीके से, ये होगी x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, और दूसरी लाइन y इज इक्वल टू 3 यानी ये दूसरी लाइन, ये हमारी होगी y इज इक्वल टू 3, और ये दोनों का कॉमन पॉइंट, और ये दोनों का कॉमन पॉइंट मतलब यहाँ पे ये लाइन में से दोनों में से पास है P ऑफ 2, 3 में से
दोनों लाइंस पास है। देखो अभी कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या नहीं, 100% होगी। ये दोनों लाइंस, ये लाइन x इज इक्वल टू 2, 2.3 में से पास है और y इज इक्वल टू 3 भी 2.3 में से पास है। और ख़ास बात यह है कि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। देखो अभी दिस वन, दिस इज़ अ लाइन, इट इज़ पैरेलल टू विच वन, इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। और ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। यही कंडीशन थी कि ऐसे लाइन निकालो जो 2.3 में से क्या है, पास है। ये देखो दोनों लाइन 2.3 में से पास है और किसके पैरेलल है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, और ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इससे हमको दो लाइंस मिलेंगे, वो दो लाइंस क्या है, देखो भी एक लाइन, देयरफॉर वी गॉट हियर फर्स्ट लाइन इज अ, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइंस आर, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइंस आर क्या मिली पहली, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे और y इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करो, x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम इसका कह लेंगे दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन। देयरफॉर द ज्वाइंट इक्वेशन इज, तो दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन क्या रहेगा, एक लाइन मल्टीप्लाई बाय दूसरी लाइन, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना, 0। मल्टीप्लाई करो x इंटू वाई, एक्स वाई माइनस का 3x माइनस का 2y प्लस का 6 इक्वल टू कितना, 0। सो दिस इज वन, इसके आगे तो अभी नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये क्वेश्चन में फ़र्क समझा कि यहाँ पे सबसे पहले लाइन हमको निकालना था अंदर से कंडीशन का यूज़ करके, और फिर उसके बाद हमको क्या निकालने का था, उसकी जॉइंट इक्वेशन निकालने का था। ये दोनों क्वेश्चन में इतना ही डिफरेंस है। पहले दो क्वेश्चंस में ऑलरेडी लाइंस दिए हुए थे हमारे पास, सिर्फ उनका जॉइंट इक्वेशन निकालने का था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कंडीशन दिए के, कंडीशन दे के पहले लाइंस निकालना पड़ेगा, फिर उसका क्या लेना पड़ेगा, जॉइंट इक्वेशन लेना पड़ेगा। आई होप यू गॉट दैट वन, सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो लाइन पासिंग थ्रू 2.3, लाइन किस में से पास है, 2.3 में से पास है और किसके परपेंडिकुलर है, ये दो लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले एक कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। कंसेप्ट ये है कि 11th क्लास में हमने देखे कि जब दो लाइंस पैरेलल, अगर से लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, तो उस टाइम पे दोनों लाइन का स्लोप M1 इज इक्वल टू कितना रहेगा, M2, लाइंस पैरेलल है तो। और दूसरी कंडीशन ये देखे थे अपने L1 में कि L1 अगर से L2 के परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे दोनों लाइन का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहता, -1। तो अब वही कंडीशन यहाँ पे यूज़ करने का है। याद रखो जब दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, और जब दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा, -1। तो ये कंडीशन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, जब हमको दो लाइन में से एक लाइन का स्लोप मालूम है तो दो लाइन का, दूसरे लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कंडीशन क्या है, क्वेश्चन ऐसा बोला है तुमको कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, इसको मिटा देंगे जरा। अभी क्वेश्चन क्या है समझो, ये कंसेप्ट समझ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है। क्वेश्चन क्या है कि भाई फाइंड की जगह पे थोड़ा चेंज करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन दे दें वहाँ पे एक्स प्लस वाई, रफ हो रहा था, अच्छा करेंगे उसको, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन लाइन है 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या है, ऐसे लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ लाइन निकालो जो कि सामने वाली लाइन को, ये लाइन को कैसी है, वो परपेंडिकुलर है। जैसा हमने अभी बताया, सबसे पहले जो लाइन दिए हुए रहेंगे उसका स्लोप निकालेंगे। तो उसका स्लोप मतलब समझो हमने इसका स्लोप क्या ले लिया, M1।
या फिर इसका निकालने का मतलब इसका स्लोप यम वन, इसको लेंगे अपन यम टू, या फिर सिंपली यम ले लो, चलो छोड़ दो। तो समझो ये लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप बोलो, स्लोप का फार्मूला सबको मालूम है, ये इक्वेशन है। अब और एक कंसेप्ट यहाँ पे, कंसेप्ट में कंसेप्ट साइन में बताता है यहाँ पे कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, समझो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड एज अ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका स्लोप निकालने का फार्मूला क्या रहता है, एम इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, इट इज द फार्मूला टू फाइंड द स्लोप ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये भी तो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, तो इसका स्लोप भी क्या रहेगा, देयरफॉर व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, एम इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का ए मतलब एक्स का कोएफिशिएंट और बी मतलब वाई का कोएफिशिएंट, मतलब कितना टू, सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, एम इज इक्वल टू माइनस टू, इट इज द स्लोप ऑफ दिस रिक्वायर्ड लाइन। ये होगा नहीं स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये लाइन का, मगर हमारी लाइन ये लाइन को कैसी है, परपेंडिकुलर है, हमारी लाइन ये लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन क्या बताया मैंने, जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना, माइनस वन। बोलो हमको निकालने का यम वन, और ये हमको यम टू, मतलब ये लाइन का स्लोप हमको मालूम है वो कितना आ गया, माइनस का टू इज इक्वल टू कितनी, माइनस वन। सो व्हाट वी गॉट हियर, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट वन, माइनस वन अपॉन, ये मल्टीप्लीकेशन में कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में, स्लोप कितना आ गया, यम वन इज इक्वल टू वन बाय टू। ये होगा दूसरे लाइन का स्लोप, इतना करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बताता है यहाँ पे। देखो सबसे पहले इसका स्लोप निकालो, देखो अभी शॉर्ट में बताता है यहाँ पे इसका स्लोप, इसे समझाया मैंने, आप देखो तुमको समझ में आ गया, इसका स्लोप माइनस ए बाई बी मतलब माइनस टू बाई वन। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, इसका स्लोप क्या रहेगा, लाइन एल का रिक्वायर्ड लाइन का, कि इसका उल्टा कर दो, माइनस टू बाई वन का उल्टा क्या रहेगा, कितना रहेगा, व्हाट इज द फार्मूला, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू कितना रहता, माइनस वन। तो वो फार्मूले का माइनस और इसका उल्टा, वन अपॉन माइनस टू का उल्टा कितना, वन बाई टू, राइट है। रिक्वायर्ड स्लोप देखो यहाँ पे स्लोप कितना है, वन बाय टू, ये फार्मूले का माइनस और इसका उल्टा भी कितना आ गया, माइनस का वन बाई टू, मतलब कितना होगा, एल इज इक्वल टू व्हाट इज स्लोप ऑफ दैट लाइन, एल इज इक्वल टू वन बाई टू। आई होप यू गॉट दैट वन, यहाँ पे क्या कंसेप्ट बता रहे, समझ में आ रहा क्या, सिर्फ जो भी स्लोप आएगा उसको अपन नीचे डालेंगे। देखिए अब एक बार अच्छे से देख लो क्या बता रहा मैं यहाँ पे, सबसे पहले इसका स्लोप m इज इक्वल टू कितना, माइनस टू, और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप अगर से निकालने का है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप यदि निकालना है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन, जो भी स्लोप आएगा उसको नीचे लो, तो सीधे से ये कंसेप्ट भी अच्छा है तुम्हारे लिए याद रखने के लिए, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना आ गया, वन बाय टू। अब देखो क्वेश्चन नंबर चार में अगर से हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चार को देखेंगे आपको सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर चार में सिर्फ हिंट देता हूँ, कल इसको ऊपर कंटिन्यू करेंगे, जो बच्चे कर सकते करेंगे। देखो अभी कंडीशन क्या है क्वेश्चन नंबर चार में, कि सबसे पहले देखो यहाँ से उठ गया ये क्वेश्चन नंबर चार, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार को बताता है, उठाना पड़ेगा आपने को, ठीक है, इतना भी सफिशिएंट है हमारे लिए। ये हो गया कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे इसको अपन पेस्ट, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ठीक है, समझने के लिए ठीक है तुम्हारे लिए। ठीक है थोड़ी वेट ए मिनट प्लीज, सॉरी थोड़ा टाइम पास हो गया, मगर अब क्या करेंगे उसको, लाइन अच्छे से तो लेना पड़ेगा अंदर, वन मिनट,
एक मिनट हाँ, थोड़ा वो बारीक होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा। ठीक है, जाने दो। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पर बैक से जाके इधर से लेके आएंगे क्वेश्चन को। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो। ओके, यहाँ से उठाएंगे उसको थोड़ा, ये थोड़ा गुड वाला, ये ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी दिख रहा है, देखो लाइन किस में से पास है, 2,3 में से पास है और किसको परपेंडिकुलर है। इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x+3y-2=0। इसके परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर है, तो सिंपल बात है। तो सबसे पहले इसका स्लोप बोलो, रिक्वायर्ड ये लाइन का स्लोप बोलो। m=, कितना आएगा फार्मूला के हिसाब से, माइनस, या फिर देखो लाइन क्या है हमारे पास, m=-3/2 इसका स्लोप। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, इसका उल्टा -1/ कितना, -3/2। तो ये ऊपर जाके कितना मिलेगा, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना मिलेगा, 2/3। ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। ठीक है, आप दूसरी लाइन देखो, उसका स्लोप बोलो, ये कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1। पहले लाइन लिखेंगे तो तुम्हारे समझ में आएगा दूसरी लाइन कैसी है। देखो दूसरी लाइन है x-3y+2=0 +2=0। तो इसका स्लोप का फार्मूला -a/b, एक्स का कोएफिशिएंट 1 और b कितना है ऑलरेडी, -3, मतलब कितना आ गया, 1/3। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, सिंपली -1/ ये लाइन का स्लोप, मतलब 1/3। इसको जब उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, -3। तो देखो एक लाइन का स्लोप आया 2/3 और एक लाइन का स्लोप कितना आया, -3। और जैसे कि बोला वो लाइन के में से पास है, 2,3 में से पार्ट पास है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 को हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि और थोड़ा एक कंसेप्ट है इसमें, स्लोप पॉइंट फॉर्म देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है और कल सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।